लाल ठोके के स्पेशल एडिशन में हम ये बात करने वाले हैं कि लगभग 12 घंटे बाद उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू होगा। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। और आगे बढ़ू उससे पहले आपको ये बता दूं, जी न्यूज बहुत बड़ी कवरेज लेकर आपके लिए आएगा, क्योंकि इन नतीजों को आप तक पहुंचाने के लिए यूपी निकाय चुनाव की हर सीट पर जी न्यूज रिपोर्टर मौजूद रहेंगे। हर सीट पर जी न्यूज पर यूपी निकाय की नॉन स्टॉप कवरेज आप लगातार देख सकते हैं। सुबह से यूपी निकाय चुनाव का हर नतीजा सबसे पहले आप देखेंगे हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर। लेकिन उसके पहले सीएम योगी की अग्नि परीक्षा पर सबसे बड़ी बहस भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बहस इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव के नतीजों का असर गुजरात चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। तो क्या अपनी सीएम बनने के बाद पहली अग्नि परीक्षा में योगी आदित्यनाथ पास होंगे? क्या 256 दिन में यूपी का दिल जीत पाए हैं योगी? और सीएम योगी जो विजय वो यूपी में लेकर हासिल कर चुके थे गद्दी, उसे आगे बढ़ाएंगे? गुजरात का राजयोग इससे क्या तैयार हो पाएगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। पूरी तरह सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और विकास के, और पहली सरकार है जिसने हमारे देश के उत्तर प्रदेश के किसानों को 37,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया। महाराज जी के सरकार के समर्थन में आने वाला परिणाम ये बता देगा कि सुशासन किस तरह किसी राज्य में स्थापित किया जाता है। योगी जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तरह फेल हो चुका है। वोटर लिस्ट से लोग गायब हैं, कुछ इनके गायब हैं और हमारे तो पूरे के पूरे मोहल्ले गायब हैं। कंडम मशीनें जो 4-4 घंटे वोटिंग रुकी रही, हर जगह कहीं कहीं पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। आप किस तरह का ये चुनाव और किस तरह का एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं? जो परिणाम आ रहा है वो यूपी में उनके लिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन खरा अर्थ में गुजरात में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, जो अपने राज्य का काम छोड़ करके गुजरात में प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे हैं, और वैसे मुख्यमंत्री जो इतने सारे बच्चों के हत्याओं के मामले में चुप बैठे हुए हैं, उनको यहाँ जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जो लोकल बॉडीज के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ गुजरात में भी आ सकता है। बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, यही कारण था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिलों जिलों में जाकर निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे थे, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि निकाय में बीजेपी का हमेशा से शासन रहा है और शहरों की दुर्दशा लोगों ने देखी है, तो ये लोग हार से बौखला गए हैं। तो ताल ठोक के आज हम सवाल पूछेंगे कि क्या योगी देंगे मोदी को विजय का रिटर्न गिफ्ट? क्या निकाय चुनाव की विरासत बचा पाएंगे योगी आदित्यनाथ? और सवाल तो ये भी कि क्या योगी के विजय योग में गुजरात में राजयोग होगा? योगी सरकार को बने कितने दिन हुए हैं आप बताइए? 256 दिन। तो क्या 256 दिन में यूपी का दिल जीत पाए हैं योगी? क्योंकि कल जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे बहुत कुछ चीजें तय हो जाएंगी। यूपी विजय से क्या गुजरात में भी जय जय होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। कनेक्शन वहां से यहाँ भी जोड़ा जा रहा है, इसीलिए खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर है स्टूडियो में, डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के लखनऊ से। हमारे साथ जूही सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। आप दोनों का स्वागत है। लखनऊ ही से अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और स्टूडियो में हमारे साथ टीआर रामचंद्रन साहब हैं, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। और अजय उमद साहब जो संपादक है नव गुजरात समय के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडीपी की जो बड़ी खबर है वो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, और उसके बाद हम इस मुद्दे पर आएंगे।
देखिए जुलाई सितंबर की तिमाही में जीडीपी की विकास दर सामने आई है और ये बढ़ी हुई विकास दर है। 5.7% पिछली तिमाही में थी और इस बार ये बढ़कर दूसरी तिमाही में 6.3 हो गई है। ये जुलाई सितंबर की तिमाही में जीडीपी के विकास दर की रेटिंग है जो आप अभी देख रहे हैं, बढ़ी हुई है। अब चलिए अब मैं बहस को बढ़ाती हूँ, शुरू करती हूँ, डेढ़ डेढ़ मिनट आप सबको मौका मिलेगा। डॉक्टर पात्रा, अग्नि परीक्षा योगी आदित्यनाथ की। देखिए रूबिका जी, राजनीति में अग्नि परीक्षा बुरी बात नहीं है, मगर जो लोग परीक्षा नहीं देते हैं उनको अपने गरिबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर वंशवाद, जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर इतने वर्षों तक जिन लोगों ने राजनीति दी, क्या उन्होंने कभी अपने पैरों को अंगारों के ऊपर रखा है? आज भारतीय जनता पार्टी मेहनत के अंगारे पर चल रही है और उसका नतीजा आपने देखा किस प्रकार से। अभी चंद मिनटों पहले जीडीपी की जो खबर आई है वह किस प्रकार एक खुशदायी खबर है, सबको खुशी देने वाली खबर है। यही वो ओपोनेंट हैं जो चंद हफ्तों पहले कह रहे थे कि सब कुछ ध्वंस हो गया, भारत लुट गया, भारत बर्बाद हो गया और ये मूडी इत्यादि सब झूठ बोल रहे हैं। मगर आप देखिए, मोदी भी सच बोल रहे थे, मूडी भी सच बोल रहा था, स्टैंडर्ड एंड पुअर भी सच बोल रहा था। झूठ कोई बोल रहा था तो वो राहुल गांधी जी बोल रहे थे। आप देखिए, देश को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर देश उन्नति के पथ पे चल रहा है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। कल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी न केवल पास होगी, उत्तीर्ण होगी, अपितु अव्वल आएगी। आप देखिए, सर्वे के रिपोर्ट्स भी कह रहे हैं कि लगभग सारे नगर निगम हम जीतने वाले हैं और उसके बाद इसका असर गुजरात में भी देखिएगा। 150+ जिस प्रकार देश की जीडीपी बढ़ी है, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी पूरे देश में बढ़ेगा, क्योंकि जनता विकास के साथ है, विनाश के साथ नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बधाई देंगे, जीडीपी बढ़ गई है, देश तरक्की पर है, गुजरात में विकास भले ही धार्मिक हो गया हो। 2% मैं बोलना शुरू करूं, 2% 3 महीना पहले घटी थी, 0.6% बढ़ी है, संतोष है, अच्छा है। नए फार्मूले से, अगर पुराने फार्मूले पर जहाँ जो यूपीए के समय का था तो 4.3% ही हुआ, इन लोगों ने आकर के फार्मूला बदल दिया था। अब हम अपेक्षा करते हैं कि जीडीपी इतनी अच्छी हो गई, इकोनॉमी ठीक हो रही है, 2 करोड़ नौकरियां 2-4 महीने में लोगों को मिल जाएंगी, 15-15 लाख भी आ जाएंगे। मोदी जी, मोदी जी सब लोग पॉजिटिव बता रहे हैं, 2.5 गुना किसानों को उपज का मूल्य भी हो जाएगा, दाऊद भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, हमारा गैस पेट्रोल के दाम जो 400-400 सिलेंडरों के बढ़ गए हैं वो घटा दिए जाएंगे, और गंगा मैया भी साफ हो जाएंगी, स्मार्ट सिटीज भी बन जाएंगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बड़ी अच्छी अच्छी बात, अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्दी कर दें, 3.5 साल हो गए अब तक नहीं किया, इसी बहाने कर दें। अब देखिए, जब ये सरकार आई थी उत्तर प्रदेश की तो 325 सीटें लेके आई थी, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री इस 325 में उस लायक नहीं थे, बाहर से आए, पांचों पद पे चुनाव होना था लेकिन लोगों से इस्तीफा दिला करके, किसी जो इनका साम दाम चलता है वो बैकडोर से गए, इस निकाय चुनाव को भी टाला, जितना टाल सकते थे मैक्सिमम 5-6 महीने टाला, अब इसे टाल भी नहीं सकते थे, निकाय चुनाव पर भी आए, जनता त्रस्त हो चुकी है, इनसे ऊब चुकी है। बहुत अच्छा, पूरी मशीनरी इनकी लगी, पूरा बूथ कैप्चरिंग कराने का प्रयास किया, मशीनों का भी आपने यहाँ भी देखा है कि बटन दबाओ कहीं कमले पे जा रहा था, बहुत जगह उसको लेके। ठीक है सर, ठीक है, मतलब अभी भी आंकड़ों पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, अब ये आंकड़े कहाँ से लाए जाएं सर, ये मुझे बता दीजिए कि आप एक बार के लिए सही बधाई जो है दे देंगे। चलिए जूही जी, निकाय चुनाव पर बात करूँ उससे पहले जीडीपी पर 2 लाइन कहना चाहेंगे आप, या सेम टू यू अखिलेश जी कह देंगे? रूबिका जी, जीडीपी पे चुनाव हो, स्टैंडर्ड पुअर पे चुनाव हो, मूडीज पे चुनाव हो, रोजगार पे चुनाव हो, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है, बधाई। चुनाव इसी पर होने चाहिए, चुनाव रोजगार पे होने चाहिए, किसान के मूल्य वृद्धि पे होने चाहिए, चुनाव रजिस्टर और धर्म पे नहीं होने चाहिए। मैं और बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, हमने रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, पहले ही जगह जगह शिकायतें आ चुकी, ऐसा चुनाव मैंने आज तक देखा नहीं, और चुनाव आयोग की ऐसी बेबसी कि चुनाव आयोग
आयुक्त कहते हैं कि सारा का सारा प्रशासन नालायक हो चुका है, मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं पूछूंगा कैसी वोटर्स लिस्ट रिवाइज हुई है, हजार हजार दो दो हजार लोगों के नाम गायब हैं, आप लोगों का अधिकार ले रहे हैं, कोई भी जीते सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई, लेकिन कंडम मशीनें, मैं कमल के फूल और इस पर जाऊंगी तो संबित भाई मुझे उलझा देंगे, लेकिन चार चार पांच पांच घंटे वोटिंग रुकी रही है क्योंकि मशीन काम करना बंद हो चुकी है, जगह जगह लाठी चार्ज हुआ है, ये किस तरह का प्रशासन जो है चुनाव करा रहा था? योगी जी सुशासन में तो फेल हो चुके हैं, इसलिए बाकी कल वो पास होते हैं, नगर निगम में पास होते हैं, नगर पालिका में पास होते हैं, ये जनता का निर्णय है। उसके बाद कल से मुझे आशा है कि अब तो 2019 का ही चुनाव होगा, कुछ कोऑपरेटिव का बीच में करवाएंगे, तो कल से वो जिम्मेदारी भी ले लें कि भाई अब कोई चुनाव नहीं है, अब हम पुरानी सरकार के कामों को जो हमें बार बार कहा जाता था कि अधूरी छूट गई है योजनाएं, उनको हमने पूरा कर दिया, इनॉग्रेशन भी कर दिया, कुछ नया लाएं, कुछ उत्तर प्रदेश के लिए कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट लाएं, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी ना करें, जैसा कि अगर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन टी आर रामचंद्रन जी, मतलब अभी तो वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो होना बाकी है, ये पहले से ही हार मान लेना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। देखिए, अपने आप में ये नगर पालिका चुनाव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव यूपी में बहुत महत्व रखता है, और दूसरी बात ये है कि ये 8 महीने बाद हो रहा है पिछले असेंबली चुनाव के बाद, और जो स्टनिंग विक्ट्री बीजेपी को उस इलेक्शन में मिला वो मेरे ख्याल में सबके सामने है, 3/4 मेजॉरिटी लेके वो आए। इस इलेक्शन की खासियत ये है कि ये बीजेपी के अलावा बाकी जितने भी दल हैं, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इस चुनाव में है नहीं। एसपी और बीएसपी का तो समझ आता है, खासकर क्योंकि एसपी सत्ता में थी, हारी है बड़ी बुरी तरह, वो कहते हैं कि हमने फिर हारना है तो बेहतर है कि हम रुक जाएं और 2019 में लोकसभा के चुनाव में फिर जाएं। अब सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव कोई छोटा नहीं है, आपने अभी गिनाया कि कितने तीन स्ट्रक्चर्स हैं इनके, लोकल बॉडीज हैं, नगर पंचायत सब मिला के मेरे ख्याल में 600 के आसपास ये बैठते हैं, और मिनिमल नंबर ऑफ सीट्स में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा सीटों पे नहीं हो रही है, और रही बाकी जो बैलेटिंग है वो हार्ड पेपर बैलेटिंग है, मेरे ख्याल में नंबर्स कम होने की वजह से, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, काउंटिंग में आसानी रहेगी, पर तब भी काउंटिंग चलेगी मेरे हिसाब से 4-5 बजे तक कल। अब रही ओवरऑल सिचुएशन, इंटरेस्ट सिर्फ देखिए, इस इलेक्शन को आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, आप उसको तो या तो ऐसे कह लीजिए कि ये फिर एक मुख्यमंत्री साहब के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा, सक्सेस स्टोरी तो अपने आप ही है क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, तो आप आगे इसको कैसे देखेंगे? सर, आपका बजर अप हो गया है, मुझे ये जानकारी मिली, हालांकि टों टों जो बचता है वो ऑन स्क्रीन आज नहीं बजा है, लेकिन अजय उमत साहब, क्या यहाँ अगर टों टों तो कल बजेगा, वो अभी से ही बज रहा है टों टों, अखिलेश जी जवाब देंगे इस पर अखिलेश जी जवाब देंगे, लेकिन अजय उमत साहब ये बताइए कि यहाँ यूपी के जो नतीजे आएंगे, क्या इसका असर वहाँ गुजरात में पड़ेगा? कोई इंटरेस्ट है ये नगर निगम के चुनावों को लेकर गुजरात की जनता नजर बनाए हुए इस पे? डेफिनेट नहीं, गुजरात के चुनाव पे इसका ज्यादातर असर नहीं होगा, लेकिन ये लिटमस टेस्ट जरूर होगा, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी जहां जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वो डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी के इश्यू को काफ़ी मतलब तवज्जो दे रहे हैं। अगर ये इश्यू, नोटबंदी का डिसीजन है और जीएसटी का डिसीजन है, वो आम आदमी को डेफिनेटली स्पर्श करता है, और ये इश्यू जो है, अगर उत्तर प्रदेश में इसी लिटमस टेस्ट को गुजरात के पैमाने पर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है तो डेफिनेटली गुजरात में भी भाजपा को इस इश्यू पे सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन में कोई इमोशनल इश्यू नहीं है गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है कि आई एम डेवलपमेंट, आई एम गुजरात, और नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर गुजरात का चुनाव
लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहते हुए कि गुजरात का जो मॉडल है वो सही मॉडल नहीं है। और एक ही इश्यू पे वो नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि नोटबंदी में गरीबों को ज्यादा नुकसान हुआ, अमीरों को कुछ नहीं हुआ, और जीएसटी को वो कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में अगर भाजपा को काफी अच्छी सफलता मिलती है तो वो ही डुप्लीकेट या रेप्लीकेट जो है गुजरात में भी हो सकता है, क्योंकि ये दो इकोनॉमिकल इश्यूज है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ये मानते हैं। ठीक है सर, आप देखिए ये टॉन्ट ऑफ बजा है। हाँ डॉक्टर पात्रा, आप ये बताइए कि नगर निगम पर तो हमेशा से आपका कब्जा रहा है, इसमें क्या नया है? चार नई सीटें जरूर आ गई है, लेकिन वो जूही जी ने भी आपको इनडायरेक्टली बधाई दे ही दी है, वहां पर अखिलेश जी ने भी तो ये बात कही दी है, धांधली कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब मान लिया है। देखिए मान तो लिया है और उपाय भी नहीं है, क्योंकि दिल में तो जानते हैं हकीकत क्या है ना, कि जीतने वाले नहीं है, मगर अभी मानते भी कैसे हैं? देखिए ईवीएम मशीन खराब, चुनाव आयुक्त खराब, जो लोग कार्यकर्ता थे वो सारे खराब, जनता ने भी सोचा समझा नहीं वोट दे दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कब ऐसी परिस्थिति होती है जब सबको खराब बोला जाता है, जब अपना सेनापति खराब होता है ना, अपने सेनापति को बचाना होता है बाकी सबको खराब बोलते हैं। अरे खराब तो अपने घर में बैठा है भैया, जिस दिन जान जाओगे और आंख खोल के देख लोगे कि खराब तो अपने घर में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को, ईवीएम मशीन को, इन सबको गाली देने से बाज आ जाओगे। दूसरी बड़ी बात है, कहावत है कि बदहाली में बधाई निकलती नहीं है, जिस प्रकार की बदहाली आज कांग्रेस पार्टी की है, और ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद भी देखना नहीं चाहती है कि हकीकत एक्चुअली क्या है। विकास गांडो थायो छे, इन्होंने कहा विकास पागल हो गया है। आप बताइए आज जो जीडीपी के फिगर आए हैं इसके बाद आप कहेंगे विकास पागल हो गया है? मैं तो कहूंगा जो लोग इतने दिनों तक देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि विकास पागल हो गया है, इन आंकड़ों के बाद आज उन्हें आकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहिए कि आखिर वो देश को बरगला क्यों रहे थे, क्यों वो चाहते हैं कि देश। बोल तो दिया डॉक्टर पात्रा कि 4.3 होती अगर पुराने हिसाब से अगर आप करते, आपने तो बेस ईयर चेंज कर दिया, ये तो मेरी गलती है, ये तो हमारी गलती है। देखिए ये मोदी ने भी हमारे फेवर में कहा, तो इन्होंने कहा कि हमने मोदी को फिक्स किया, वो तो मोदी भक्त है, वो तो मोदी भक्त है, कोई क्रिकेटर जो मोदी थे उनको भी डांट दिया लोगों ने कि इस मूडी ने किया होगा जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी डांट दिया है। और उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया, तो कहा ये वर्ल्ड बैंक भी क्या चीज है, ये तो फिक्स होती है। देखिए अगली बार से जो है ये जो इकोनॉमिक्स इत्यादि का होगा, मैं पीडी से ही पूछ के बोलूंगा, क्योंकि जानता तो पीडी ही है, ये मूडी पूडी क्या चीज है बताइए, स्टैंडर्ड पुअर, मूडी, वर्ल्ड बैंक, ये इकोनॉमिक्स कोई चीज है? चीज केवल एक ही है, वो है पीडी। पीडी ही सब कुछ जानता है और पीडीनोमिक्स पे ही इनकी, देखिए इस प्रकार से देश को बरगलाने का काम बंद करें। रामचंद्र जी सच में ये बताइए कांग्रेस किसी भी चीज को मानने से क्यों तैयार नहीं हो रही, कहां से लाए सर मास लेकर आए, मंगल ग्रह से लाए आंकड़े तो मान लेंगे, व्हाट इज गॉन रॉन्ग विद कांग्रेस? आई थिंक एज ऑफ नाउ वो बड़े डिमोरलाइज्ड हैं, पिछले 3.5 साल में उन्होंने देखा कि एक पंजाब को छोड़ के जहां उनकी एक बहुत अच्छी सक्सेस हुई, दे हैव रिटर्न टू पावर, बाकी जितने भी मेजर स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में हो या हिंदी हार्टलैंड में हो, बिहार में ज़रूर हारे वो, बट उसके अलावा उनको मेजर सक्सेस कांग्रेस को कहीं मिली नहीं है। अब रही बात कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अब उनके पार्टी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, राहुल गांधी जी को वो अध्यक्ष बना रहे हैं, और उसके बाद देखें कि आगे चाल चलन कैसा रहता है। देखिए अगर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी नई बना के वो नहीं उतरे तो 2019 में उनको बड़ी दिक्कतें होंगी। सर ये नई स्ट्रैटेजी आई तो है, राहुल गांधी जा तो रहे हैं मंदिर मंदिर, बहुत अच्छी बात है। कल ही जो है जनऊ वाली उनकी तस्वीरें दिखाई गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या दिस इज गोइंग टू हेल्प कांग्रेस, मैं इस पर सवाल पूछूंगी। लेकिन सुबह 6 बजे से लगातार मुझे ये जानकारी मिली थी कि लखनऊ में जहां पर हमारे दो मेहमान बैठे हुए हैं वहां कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। जल्दी से आपको बता दूं, अमित शाह ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया, अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि जीडीपी की विकास दर में इजाफा मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है और इससे जो है मेक इन इंडिया को फायदा होगा और रोजगार के नए मौके जो है वो सामने आने वाले हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब इस पर टिप्पणी चाहती है आपकी। 2% गिरा दो जो अभी जीडीपी गिरी थी नोटबंदी के बाद, 0.6% बढ़ जाए तो खुश होने लगो, और अभी आंकड़े गिना रहे थे। देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, एजेंसी है उसने कहा नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ने लायक नहीं है।
हाँ, एक चीज जरूर बढ़ी है मोदी जी के राज में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भारत छठा देश था भ्रष्ट देशों में एशिया में, वो अब एशिया में नंबर एक देश भ्रष्टों में हो गया है। अगर ये सब सही है और तो हिंदुस्तान की जितने रेटिंग एजेंसियां हैं वो नेगेटिव क्यों बता रही हैं? आप जॉब मिल रहा है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, डॉलर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जितने प्रोडक्ट मैक्सिमम जो कोर सेक्टर के प्रोडक्शन है, सीमेंट के और सरियों के और चीजों के खाद के, ये सब घट रहे हैं, और तमाम और जो फैक्टर्स हैं, अगर बढ़िया है तो भाई तुम जमीन पे दे दो लोगों को नौकरी है, ये आंकड़ों से नहीं लोगों का पेट भरेगा। आप यथार्थ में हिंदुस्तान की जनता को आप दे दीजिए, प्याज इतना महंगा बेच रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी देने का, जिनकी नौकरियां थी उनकी घट गई। शांत हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। तो अखिलेश जी, सवाल आपका तगड़ा है, जवाब पूछने दीजिए। हाँ, तगड़ा जवाब भी एक्सपेक्ट कीजिए। हाँ देखिए, पहली बात तो है कि ये आंकड़े हम घर में बैठ के बनाते नहीं हैं। अगर ये कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और ये आज करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में बैठिए बैठिए आराम से बैठिए, मैं आपको तो नौकरी नहीं दे सकता हूँ साहब, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, और थोड़ा आराम से बैठ जाइए सर, जो पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बैठिए मजा आ रहा ना, बेरोजगारों पे तलखी कसो। नहीं साहब, मजा किसको आ रहा है? ये देश का नाम, देश का नाम अगर बुलंद होता है, देश का नाम अगर बुलंद होता है विश्व में कहीं, तो आपको इतना दुख क्यों होता है साहब? मुस्कुराइए, चलिए बैठिए, बेरोजगारों पे बैठो साहब, 2 करोड़ नौकरियां देने को कहते, आज रोजगार की बात है तो मुस्कुरा रहे हो? कितनी खराब हो गई आपको, कितनी खराब हो गई हालत आपको। कमाल के लोग हो गए, आप सिर्फ ताली बजाएंगे उन आंकड़ों पर जो कहीं ना कहीं भारत को कम्प्लीटली जमीन पे, फिर वापस हमें भारत का जमीन पे चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाइए भैया, जमीन पे बैठ जाइए। अभी मुझे बोलने दीजिए, चेयर से उतर के जमीन पे बैठ जाइए, बैठिए जमीन पे, बोलने दीजिए। नौकरियां नहीं मिल रही है तो आप क्यों खुश हो रहे हैं? जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। हम खुश नहीं हो रहे, हम जवाब मांग रहे हैं। इन्होंने वादा किया था, तभी जवाब मिलेगा। हम खुश हो रहे हैं, देखिए कैसे कह दिया आपने, हम खुश हो रहे हैं। अच्छा सर, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, आप मैं जवाब ले लूं? आप बहुत दुखी, आप इस दुख का निवारण नहीं, आप खुश होइए, आप खुश होइए, मैं जवाब ले रहा हूं। कहां से प्रवक्ता ढूंढ के लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नौकरी मिल गई है सर, एक सर, उनको नौकरी मिल गई है, गरीबों को मिले ना मिले, कहां से ढूंढ के लाते हैं प्रवक्ता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही है तो उस जवाब को लेने में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सुन लीजिए ना, आप क्यों जाने देना चाहते हैं डॉक्टर पात्रा को इस जवाब को दिए बगैर? डॉक्टर पात्रा, देखिए मैंने आज तक ऐसा ऑपोजिशन, 4 साल तो हो गए, नौकरी मिल गई क्या? हाँ ठीक है सर, देखिए मुझे जवाब देंगे, झांसा देंगे, झांसा। मुझे ये अखिलेश प्रताप सिंह जी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट बार बार मिल रहा है, और आप ही के चैनल पे कल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक उत्तर प्रदेश की जनता का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश की जनता नगर निगम के चुनाव में, और अगर हिमाचल प्रदेश की जनता अपने विधानसभा के चुनाव में, और गुजरात की जनता अपने चुनाव में सर्टिफिकेट देगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये इसी प्रकार का चिल्ला कर प्रकोप कर रहे थे कि हाय मर गए, हाय हम लूट गए, हाय देश बर्बाद हो गया। बर्बाद कांग्रेस हुई, देश बर्बाद नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस बर्बाद होती है तो छाती पीट पीट के जिस प्रकार उनके प्रवक्ता रोते हैं, इनको जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, जो गिरा था हमारा जीडीपी 5.7 पे, जो आपने कहा था कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ था जीडीपी और डिमोनेटाइजेशन का, वर्ल्ड बैंक ने जवाब दिया, खुद उनके अध्यक्ष ने जिम योंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ ट्रांजिएंट एब्रेशन। जब इतने बड़े रिफॉर्म्स होते हैं जो कि देश के लिए एसेंशियल होते हैं, तो एक ट्रांजिएंट एब्रेशन होता है। जीएसटी के डीस्टॉकिंग को लेकर जब जीएसटी लागू हुआ, तो सब तमाम जितनी बड़ी कंपनियां थी और जितने स्टोर्स थे, उन्होंने अपने फैक्ट्री को, अपने स्टोर्स को मेंटेनेंस में डाला, डीस्टॉकिंग किया, जिसके कारण आज हमने एक ट्रांजिएंट देखा था। अब आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह, आपने अमित शाह का ट्वीट पढ़ा, अमित शाह ने ट्वीट करके कहा था और इंटरव्यू में भी आपके चैनल को कहा था कि आप देखिएगा जब अगली बार आएगा तिमाही, उस समय बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना जीडीपी। टीवी डिबेट
डिबेट्स में और टीवी पर ये डिस्कस करना कि जीडीपी बढ़ गई है, सर एक सेकंड अखिलेश जी एक सेकंड मुझे बढ़ने दीजिए। अरे भैया लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को सड़क पर जो है जान हम ले रहे हैं, लोग ऐसे ही वोट कर दे रहे हैं क्या, उनके पास लोग ऐसे ही हमें वोट जिता रहे हैं। बहस करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए बहस करना जरूरी है। टी आर रामचंद्रन जी ये बात सच है, कल रिजल्ट आ रहा है, गड़बड़ी कर देते ना सर, इतना ठीक नहीं है ना सर, रुक जाइए सुन लीजिए। कल के रिजल्ट से नौकरी का क्या मतलब? तो ये जनता ऐसे ही वोट दे देती है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट लगाते हैं कि किसानों के उपज का दाम नहीं बढ़ाऊंगा, वोट लेने के लिए बोलते हैं कि मैं ढाई गुना कर दूंगा। कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों से, आप लोगों से नहीं हो पाएगा भैया। नौकरी मुद्दा है या नहीं है मुझे ये बताइए, नौकरी मुद्दा है या नहीं? नौकरी मुद्दा है, मुद्दे पर चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं? कब मिलेगी नौकरी? ठीक है आप सुन लीजिए आप तो नहीं चिल्ला रहे हैं, नौकरी रुक जाइए अब एक सेकंड सुनिए। टी आर रामचंद्रन जी ये बिल्कुल सही है कि टीवी स्टूडियोज में हम जीडीपी डिस्कस करें, बढ़ गई घट गई ये सब चल जाता है, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप सड़कों पर उतरेंगे, जब आप गरीबों की बात करेंगे और सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे, तब आपको ये जीडीपी याद नहीं आएगी, तब आपके बटुए में कितने पैसे हैं, आपकी नौकरी कहाँ है वो आपको याद आएगा। 70 रुपये टमाटर हो गया है, 70 रुपये 80 रुपये किलो प्याज जा रहा है, ये कब ये पकड़ में आएगा? चुनाव जीतते रहिए, जीडीपी आगे जाती रहेगी, नौकरी इज रियली अ मुद्दा, महंगाई इज रियली अ मुद्दा। देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो तकलीफ आम आदमी और गरीब लोगों की हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे आपने खुद फरमाया कि जो वेजिटेबल्स की प्राइसेस हैं वो घटी नहीं रही, अब इतने हाई प्राइसेस, दे आर इम्पोर्टिंग अनियन फॉर सेल इन दिस कंट्री, इसके माने अनियन की जो स्टॉक्स हैं उसमें हालत बहुत ख़राब है। आखिरकार ये पिछले 4 महीने से ये अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, सिर्फ एक आलू है जो मेरे ख्याल में 10 रुपये से बढ़ के आज 13 रुपये बिक रहा है, बाकी सब चीज़ें 50 रुपये से ऊपर हैं, 50, 60, 70, 80। डॉक्टर पात्रा हाउ विल यू मैनेज दिस, ये तो ज़रूरी है ना, आज नहीं तो कल ये फिर ये इतना गजब का फायर बैक करेगा, आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए ये वाजिब प्रश्न है, इसका जवाब यह है कि रामचंद्र जी सीनियर है, जानते भी हैं कि ये जो ट्रांजिएंट, आप देखिए जब भी मौसमी परिवर्तन होता है ये कुछ दिनों के लिए 15-20 दिनों के लिए इस प्रकार का एक फेज आता है जब टमाटर और प्याज खास करके इनके रेट्स में बढ़ोतरी होती है। आप याद करिए 1-2 साल पहले पल्सेस अर्थात दाल के रेट को लेकर इसी प्रकार का डिबेट होता था, इसी भारत सरकार ने इंसेंटिवाइज करके जिस प्रकार से दाल का आज प्रोडक्शन बढ़ाया है, आज दाल को लेकर इस प्रकार का डिबेट नहीं हो रहा है। तो आप देखिएगा 10 दिनों के बाद ये रेट नीचे चली जाएंगी, ये बहुत मौसमी होता है और ट्रांजिएंट है, इसमें बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि 3 साल से कौन सा मौसम है जो बदल ही नहीं रहा है। अगर हमने लोगों को मारा होता ना, लोगों के गले को घोंट दिया होता तो लोग हमें वोट नहीं देते, लोग हम पर चोट करते, चोट कांग्रेस पे लोग क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए, क्यों कर रहे हैं कांग्रेस पे लोग? सर मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी सर, प्लीज 1 सेकंड रोहित जी, 10 सेकंड, नहीं अखिलेश जी प्लीज, आई एम सॉरी, नहीं थोड़े दिन बाद चिंता मत करिए, 10 सेकंड ही रह जाएगा कांग्रेस का, चिंता मत करिए। रूबिका जी वैसे तो संबित भाई ज्यादा का फार्मूला बता दो पूरा देश खुश हो जाएगा। आपके साथी ने आपसे टाइम छीन लिया, आपके साथी जूही जी आपके साथी ने आपसे टाइम छीन लिया बिल्कुल वैसे जैसे सीटें छीन ली उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कल सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है और उस परीक्षा में एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं क्योंकि हर सीट पर मौजूद है जी न्यूज के रिपोर्टर्स। विजय का रिटर्न गिफ्ट क्या योगी देंगे मोदी को, इसी पर होगी बात सुबह 6 बजे से, लगातार देखते रहिए जी न्यूज।